हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। देखिए, जो प्लांटर दिख रहे हैं ये मैंने बनाए हैं, कोकोनट शेल के बनाए हुए हैं। और कोकोनट, आजकल गर्मी का सीज़न आ रहा है तो हम लोग नारियल पानी तो सभी पीते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। एक तो नारियल वाले के लिए भी प्रॉब्लम और हमें इससे अच्छा ये लगता है कि इसको घर में ले आएँ और इसके प्लांटर बना लें। ये छोटे प्लांट के देखिए मैं लेके आई थी इस तरह से, तो इसमें छोटा सा होल था, फिर मैंने इसको काट लिया और इजीली कट भी गया। जो फ्रेंड्स, जो सॉफ्ट वाले नारियल होते हैं वही हमें लाने चाहिए, जिनमें अंदर गरी बन जाती है वो टाइट हो जाते हैं और काटना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और ये बहुत आराम से इजीली कट गया मुझसे और एक चाकू से ही मैंने इसको काट लिया है। मुझे ही लग रहा था कि शायद नहीं कटेगा, और इसमें से एक जो नारियल था थोड़ा हार्ड था, उसको थोड़ा काटने में प्रॉब्लम हुई, तो वो मतलब कट तो गया है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा उसका जो रेशा है बाहर से दिख रहा है। देखिए कितना बड़ा स्पेस हमें मिल रहा है इसमें, मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि इतना स्पेस मिलेगा। और लंबाई तो इसकी जितना आप देख रहे हैं नारियल है उतना तो लंबाई है, चौड़ाई भी नारियल की गोलाई के बराबर है। और इसको जो इसका इसके जो सामने फ्रंट का जी चौड़ाई है वो भी काफ़ी मिल गई है। तो इस तरह से हम इसमें छोटे प्लांट डाल सकते हैं, जैसे पॉर्चुला। अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है तो पॉर्चुला हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम पॉर्चुला डाल सकते हैं। और मैंने इस फ्रेंड्स मैंने इसमें पेटोनिया की डाल दी है प्लांट्स, क्योंकि मेरे पे पेटोनिया बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे उसको सेव करना था गर्मियों के लिए, क्योंकि वो गर्मियों में ख़राब होने का डर रहता है जब बारिश वारिश हो जाती है, तो मैं इसमें पेटोनिया डाल दिया। देखिए, इसके बाद मैंने इसको नीचे से होल किया है और ड्रेन के लिए, और इसके साइड में भी मैंने होल किए हैं, तीन होल साइड में किए हैं, जिससे कि मतलब पानी इसमें आराम से निकल जाए, ड्रेनेज का इसको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको भरने से पहले मैं क्या करूँगी, नीचे स्टोन डाल दूँगी जिससे कि डायरेक्ट पानी ना जाए नीचे। तो आराम से इसमें इतनी स्पेस है कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकती थी कि इतनी स्पेस निकल जाएगी इसमें। तो मैंने इसमें तीन जगह होल कर दिए ड्रेन के लिए, और उसके बाद इसको हम देखिए, मैंने चार इकट्ठे किए थे जिनमें से एक थोड़ा टाइट था, और उसके बाद मैंने इनको कलर कर दिया। ये देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस इसमें दिख रही है। तो इसके अंदर की जो गरी होती है उसको हमें क्लीन कर लेना है, अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो उसको वो हमारे प्लांट को नुकसान कर सकती है। तो इसको मैंने पहले धो लिया, अंदर से साफ़ कर लिया और उसकी गरी को क्लीन कर दिया, उसके बाद ही मैंने इसको पेंट करना शुरू किया है। पेंट करने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके ऊपर मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत, ये तो प्लेन कलर थे, उसके बाद मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बना दिया है। फ्रेंड्स, मैंने तो ये ऑयल पेंट किया हुआ है, आप चाहें तो आप एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बाहर रखने हैं तो इसलिए मैंने सभी में ऑयल पेंट किया है, क्योंकि बारिश और पानी से ख़राब ना हो। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत थोड़ी सी मेहनत के अगर हम करेंगे तो उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस तरह से आप भी अपने छोटे छोटे प्लांट जो हैं इसमें लगा सकते हैं, जो कि देखने में भी सुंदर लगते हैं, और हम जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं उसको भी हमें बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप भी इस तरह के प्लांटर बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत की बात है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप नारियल वाले से ही कट करा सकते हैं, और नॉर्मल पेंट कर किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया, पर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखिए। और छोटे छोटे प्लांट बहुत अच्छे चल जाते हैं इसमें, देखिए मैंने बाहर ही लगा के रखे हुए हैं ये देखिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।